जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग जी। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं, खैर आफियत के साथ हैं। तो जी प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो प्लीज़ प्यारे व्यूवर्स, जुड़े रहिएगा हमारे साथ मज़े की रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर हमने ऐड किए हैं कढ़ाई में घी ऐड किया है, उसके साथ ही हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज जो है वो चॉप करके ऐड कर दिया है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई अच्छा सा, अच्छे इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। तो जी प्यारे व्यूवर, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो जी प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। तो जी प्यारे व्यूवर्स, हमने कढ़ाई में चूँकि प्याज ऐड कर दिया है, प्याज अभी लाइट कलर चेंज हुआ है, जैसे ये लाइट गोल्डन होगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ीद दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो प्लीज़ प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी प्यारे व्यूवर्स, हमारी तकरीबन 1 वीक से वीडियोस जो हैं वो नहीं आ रही थी, सो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियोस जो हैं वो नहीं आ रही थी। तो प्यारे व्यूवर्स, दुआ करिएगा अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बस ऐसे ही बैठे बिठाई परेशानी सी आ गई। तो जी प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो प्याज है वो हल्का सा गोल्डन हो चुका है, और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी जो कि हमने काट के रख ली है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो प्याज है हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, और साथ ही साथ फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे मसाला जात। तो जी प्यारे व्यूवर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो जी यहाँ पे हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, साथ ही 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि हमने बरी बरी काट ली हैं, वो हमने प्याज के अंदर ऐड कर दी हैं। तो जी प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो हमारा प्याज है मसाले हैं हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें खुशक मसाले ऐड करेंगे। अब तकरीबन इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा, इसमें तकरीबन हल्दी जाएगी और 2 टीस्पून भर के हमने इसमें ऐड किए हैं तकरीबन सुरख मिर्च के, और साथ ही हमने ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दिया है, और 2 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऐड कर दिया है सुरख मिर्च पाउडर। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये मज़े की रेसिपी है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, जुड़े रहें हमारे साथ मज़े की रेसिपी के लिए और एंजॉय करें हमारे साथ। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये देखें हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, हम सारे को हम अच्छे से भून लेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, और प्लीज़ आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ मज़े की रेसिपी के लिए। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मसाला चूँकि हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं मसाला चूँकि हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर हम जो प्याज टमाटर हैं उनको भी चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेते हैं। आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप लोग इन्जॉय करें इस रेसिपी को। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मेंटली तौर पर काफ़ी सारा अपसेट हूँ मैं, बट फिर भी आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाले मेरे तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो भी हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं, अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और भून लेंगे और इसमें फिर ऐड करेंगे गोभी।
तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जो गोभी है वो हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो जी मेरे व्यूअर्स, मेंटली तौर पे मैं काफ़ी सारा डिस्टर्ब हूँ, बट बताऊँगी आपको कि क्या प्रॉब्लम है। इसी वजह से मेरी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुँच सकी हैं। तकरीबन 1 वीक होने वाला है मेरी वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं की हैं मैंने। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाला चूँकि हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी। मसाला चूँकि हमारा अच्छे से यकजान हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं गोभी। तो आप देख सकते हैं प्यारे व्यूअर्स, गोभी जो है इसके अंदर चली जाएगी अब। तो जी प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से गोभी जो कि हमने इसमें ऐड कर दी है, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तब तक दूसरी साइड पर हम जो आलू हैं उनको रेडी करके रख लेते हैं। जैसे ही हमारे आलू रेडी होंगे फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, गोभी के अंदर ऐड कर देंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, हमने साथ ही साथ इसमें 1/2 kg के करीब आलू है जो कि हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं काट के। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मसाला जो कि हमारा माशाल्लाह से अच्छे से भून के रेडी हो चुका है, उसमें हमने आलू और गोभी दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, उसको अच्छे से भून लिया है। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर इसको बिल्कुल लाइट दम पर लगा के रख देंगे। और जैसे ही फिर हम इसका दम उठाएंगे तो माशाल्लाह से हमारी गोभी जो है वो बन के तैयार हो चुकी होगी। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से जो हमारी आलू गोभी की रेसिपी है वो बन के रेडी हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नए वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप लोगों को तक पहुँच सकें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से फाइनली लोग आप देख सकते हैं जी आलू गोभी की मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो बन के मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।